सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अपने घर में लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए। इस वीडियो में हम पूरे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की बात करेंगे, क्या क्या चार्जेस लगेंगे आपके इंस्टॉलेशन में, कैसे आप इंस्टॉलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से प्लान है एयरटेल के, कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा एंड कैसे आप इन प्लान्स में अपने पैसे बचा सकते हो, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड मैंने रिसेंटली खुद भी अपने घर में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को लगाया है, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस भी साइड बाई साइड शेयर करूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आई मुझे, क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, उसे कैसे सॉल्व करना है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एयरटेल एक्सट्रीम के सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लिए हैं ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, मैं चैनल पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की पूरी सीरीज बना रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए सीरीज की तो आप सारे पार्ट देखना, ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सबसे पहले आप इंस्टॉलेशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, दो ऑप्शन आपके पास। सबसे पहले जो वेबसाइट वाला ऑप्शन है, आप सीधा ऑनलाइन जाओगे, एयरटेल की साइट पे जाओगे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आप डायरेक्टली एयरटेल वाले को कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि जो एयरटेल वाले होते हैं वो आपके आस पड़ोस वाले ही होते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। एयरटेल जिन्होंने ठेका लिया होता है एयरटेल फाइबर को बिछाने का, सो आप डायरेक्टली उन्हें भी कॉल कर सकते हो। दोनों मेथड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। वेबसाइट से अप्लाई करोगे तो वो एकदम ऑफिशियल तरीका होगा, जो बंदे हैं एयरटेल वाले वो आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, बट इसका एक घाटा भी है। अगर आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर होते हो एयरटेल की, तो ऑफिशियल मेथड में कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको सीधा मना कर देंगे। बट अगर आप डायरेक्टली कॉल करोगे तो उसका घाटा क्या है कि वो आपको टाल सकते हैं कि नहीं सर हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ये कर सकते हैं एक बारी को। बट इसका फायदा ये है, अगर आपको इंस्टॉलेशन के टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो बारी बार बात करके उनसे सॉल्व कर सकते हो, एयरटेल तक वो बात नहीं पहुंचती। अब मैंने पर्सनली डायरेक्टली उन्हें कॉल करके बुलाया। अब आप बोलोगे आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, अगर आपके एरिया में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आ चुका है तो आपके जो पोस्टर लगे होंगे उसके नीचे नंबर होगा, रिक्शा में पोस्टर लगे होंगे, आपके बसों में पोस्टर लगे होंगे, तो वहाँ से आप नंबर ले सकते हो, या तो आपके किसी पड़ोसी ने लगाया हो या किसी रिश्तेदार ने लगाया हो, उससे भी आप नंबर ले सकते हो एंड डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हो। तो गाइज, मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने अगर घर की लोकेशन देखी, फिर देखा कितना दूर है वो एयरटेल बॉक्स से, जो घर वॉल पे बॉक्स लगा होता है उससे कितना दूर है मेरा घर, एंड वो कुछ 300 मीटर दूर था। तो मुझे एयरटेल की तरफ से 100 मीटर वायर तो फ्री मिल रही थी, बट उसके बाद जो वायर लगनी थी 200 मीटर, सो 10 रुपए मीटर के हिसाब से मुझे चार्ज पड़ा, तो मुझे 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े यहाँ पे इंस्टॉलेशन के। बाकी एयरटेल फाइबर का इंस्टॉलेशन फ्री है, बस आपको स्टार्टिंग में कुछ रिचार्ज एक साथ कराने पड़ते हैं। अब कौन सा रिचार्ज कराने पड़ते हैं एक साथ, वो हम रिचार्ज सेगमेंट में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में मिलती हैं। सबसे पहले आपको एक ड्यूल बैंड राउटर देखने को मिलेगा, जो कि एयरटेल वाला का ही होता है एंड कंपनी होती है ZTE। अब ये एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आपको मिलता है, बट एयरटेल ने अब अपने राउटर थोड़े अपग्रेड कर दिए हैं। अब ऐसे ड्यूल बैंड राउटर मिल रहे हैं जिसमें बैंड्स ऑटोमेटिकली स्विच होंगे 2.4 GHz एंड 5 GHz में, आपको पता ही नहीं लगेगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो राउटर वैसे स्विच करता रहेगा बैंड्स को। सो अगर आपको नहीं पता, जो पुराने टाइप के आपके ड्यूल बैंड राउटर होते हैं उसमें आपको दो सिग्नल देखने को मिलते हैं, एक 2.4 एंड एक 5, तो आपको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट लेटेस्ट वाले में आपके ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं दोनों बैंड्स जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे अब आपको एयरटेल के साथ वो लेटेस्ट वाले राउटर देखने को मिलते हैं। एंड अगर आपको सेट टॉप बॉक्स अलग से चाहिए तो उसका आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी पेमेंट है 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी आपको तभी वापस मिलेंगे पैसे जब आप कम से कम 10 रिचार्ज करा दोगे सेट टॉप बॉक्स में, एंड मिनिमम अमाउंट रिचार्ज का आपको 360 रुपये पर रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो मतलब टोटल आपको मिनिमम खर्चा उस सेट टॉप बॉक्स पे 3600 रुपये करना पड़ेगा, तभी आपको वो 1500 रुपये वापस मिलेंगे जब आप सेट टॉप बॉक्स को हटाओगे, वरना आपको 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। एंड रही बात ड्यूल बैंड राउटर की, वो एयरटेल की प्रॉपर्टी है, जैसे ही आप कनेक्शन हटाओगे तो वो अपना राउटर साथ में ले जाएंगे, वो आपका नहीं होगा। सो गाइज, अगर पूरे इंस्टॉलेशन को अगर समराइज करें तो काफ़ी ईजी है। आपको दो तरह से अप्लाई करना है, या तो वेबसाइट से कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। दोनों मेथड से आपका सेम ही बंदा आपके पास आएगा, आपको देखेगा, घर देखेगा, कितनी एक्स्ट्रा वायर लगेगी वो बताएगा आपको, उस एक्स्ट्रा वायर का आपको 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। सो बेसिकली अगर आपकी एक्स्ट्रा वायर ना लगे तो आपकी पूरी इंस्टॉलेशन फ्री रहती है, बस आपको जो प्लान है वो एक साथ कराने पड़ते हैं कुछ महीनों के। अब कौन से प्लान कराने पड़ते हैं, कितने महीनों कराने पड़ते हैं, वो प्लान सेगमेंट में बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में प्लान देखने को मिलेगा, वो है 40 Mbps का, जिसका नाम है बेसिक। इसमें आपको ऑब्वियसली 40 Mbps स्पीड देखने को मिलेगी एंड जो डाटा होगा वो अनलिमिटेड होगा। अब जो डाटा है वो सारे प्लान्स में अनलिमिटेड ही है, तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। एंड गाइस, इंटरनेट के अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इस प्लान में देखने को मिलेंगे वो इससे ऊपर वाले प्लान में भी सेम है, मतलब जो 100 Mbps वाला प्लान है उसमें भी आपको सेम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वो क्या है, सबसे पहले आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम ऐप में जो भी OTT ऐप्स हैं
मतलब इसमें टोटल आपकी 15 OTT ऐप्स हैं, वो आपको सारी फ्री देखने को मिल जाएंगी एक साल के लिए। सेकंड आपको अपोलो 24/7 तीन महीने के लिए। फिर यहाँ कुछ फास्टैग वाला है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है आपको। और यहाँ पे विंक म्यूजिक भी अनलिमिटेड है, मतलब आप विंक म्यूजिक में बिना एड्स के गाने सुन सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो जब तक आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स हैं दोनों प्लान्स में, अब वो बार बार रिपीट नहीं होंगे अगले प्लान में। सो गाइज, इस प्लान की कॉस्ट पड़ेगी आपको 499 रुपीज़ एंड एक महीने का GST के साथ आपको बिल आएगा 589 रुपीज़ का। बट अगर आपको इंस्टॉलेशन फ्री चाहिए तो ये रिचार्ज आपको मिनिमम 6 महीने का एक साथ कराना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसी कॉस्ट बैठेगी आपको 3004 रुपीज़। बट यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम 589 रुपीज़ को एक महीने के बिल को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से तो बैठता है 3534 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें बिल तो कम बैठ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप बिल एक साथ पे करते हो तो एयरटेल आपको थोड़े ऑफर्स देता है। इस वाले में आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड आपको GST पड़ता है 18%, तो एक तरह से आपको GST यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है। तो अगर आप इसे एक साथ 6 महीने का रिचार्ज कराओगे तो यहाँ पे ये बेनिफिट है आपको। अगर आप 12 महीने का कराओगे तो उसमें भी आपको 15% डिस्काउंट ही मिलेगा। सो सीधा आपको 6004 रुपीज़ का बिल आएगा अगर आप 12 महीने का एक साथ कराते हो, बट इंस्टॉलेशन के लिए आपको 6 महीने कराना पड़ेगा। सो बेसिक वाले प्लान में एंड और प्लान्स में यहाँ पे यही एक फर्क है। बेसिक वाले में आपको 6 महीने एंड 12 महीने दोनों में 15% डिस्काउंट मिल रहा है, बट और प्लान्स में आपको 6 महीने में 7.5 एंड 12 महीने में आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वाले में ये फायदा है। एनीवेज, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की, जो कि है 100 Mbps वाला। इसका नाम है स्टैंडर्ड। अभी आपको 799 रुपीज़ का पड़ेगा विदाउट GST एंड अगर हम इसमें GST ऐड करते तो ये पड़ेगा आपको 943 रुपीज़ का। एंड अगर आपको इंस्टॉलेशन फ्री चाहिए तो आप इस रिचार्ज को करा सकते हो 3 महीने के लिए, बट 3 महीने में आपको कोई भी ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। सीधा अगर आप 943 रुपीज़ को इंटू करोगे 3 से तो बैठता है 2829 रुपीज़, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो आपकी इंस्टॉलेशन फ्री हो जाएगी और आपको 3 महीने का 100 Mbps का प्लान मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कई लोग ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि अगर मैं 3 महीने या 6 महीने का रिचार्ज एक साथ कराऊंगा तो क्या जो मुझे 3333 GB मिलेगा वो एक महीने के लिए मिलेगा कि 3 या 6 महीने के लिए मिलेंगे। जो आपको डाटा मिलता है वो पर महीने के लिए मिलता है। सपोज़ मैंने 3 महीने कराया तो मुझे हर 3 महीने में डाटा अपडेट होता रहेगा, हर 3 महीने में 3300 GB मिलेगा। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, ये डर आप दूर कर सकते हो दिमाग से कि अगर मैं एक साथ पेमेंट करूँगा तो मुझे डाटा कम मिलेगा। डाटा कोई भी कम नहीं होता, आपको उतना ही डाटा मिलता है हर महीने। एंड अगेन, आप इस प्लान को भी 6 और 12 महीने के लिए करा सकते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप इसे 6 महीने के लिए कराते हो तो आपको विद डिस्काउंट ये पड़ेगा 5234 रुपीज़ का, विदाउट डिस्काउंट ये पड़ता है आपको 5658 रुपीज़ का। तो टोटल प्रॉफिट हुआ आपको 424 रुपीज़ का। एंड अगर आप इसे कराते हो 12 महीने के लिए तो ये आपको पड़ेगा 9619 का विद डिस्काउंट, एंड विदाउट डिस्काउंट ये आपको पड़ता 11316 रुपीज़ का। तो आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ 1600 के आसपास, 1697 टू बी एग्जैक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्लान में जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। अब इसका नाम एंटरटेनमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 200 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है एंड डाटा अगेन अनलिमिटेड 3300 GB। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या है, इसमें आपको हॉटस्टार देखने को मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी क्या है, जब तक आपके पास ये प्लान रहेगा तब तक आपके पास हॉटस्टार भी रहेगा। हॉटस्टार आपको सुपर वाला देखने को मिलता है जिसकी मार्केट प्राइस है आपकी सालाना 899 रुपीज़, जिसमें आपको HD चैनल देखने को मिल जाएंगे एंड इसमें आप 2 डिवाइस में साइमल्टेनियसली स्ट्रीम कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको Amazon प्राइम भी देखने को मिलता है पूरे 1 साल का। इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, ये ख़त्म होने के बाद चाहे आपके पास ये प्लान हो या ना हो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 1499 रुपये, जो कि इसकी कॉस्ट है सालाना। एंड टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये Amazon प्राइम वाला ऑफर एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए नहीं है। तो अगर आपके पास Amazon प्राइम पहले से है तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। एंड जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अभी तक चल रहे थे वो कट टू पेस्ट इसमें भी हो जाएंगे। अब इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पड़ेगा 999 रुपीज़ का विदाउट GST, एंड GST ऐड करते इसमें तो आपको पड़ेगा 1179 रुपीज़ का। अगर 3 महीने के लिए लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है 3 महीने में, तो ये आपको पड़ेगा 3537 रुपीज़ का। एंड 6 मंथ के लिए विद डिस्काउंट आपको ये पड़ेगा 6543 रुपीज़ का, विदाउट डिस्काउंट ये पड़ता है आपको 7074 रुपीज़ का। एंड अगर आप ये 12 मंथ के लिए एक साथ कराओगे तो ये आपको पड़ेगा विद डिस्काउंट 12026 रुपीज़ का, विदाउट डिस्काउंट ये पड़ता है आपको 14148 रुपीज़ का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप सेव कर रहे हो। सो बेसिकली ऐसा है, 12 मंथ में आपको GST एक तरह से ऑफ हो जाता है क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है 15%, GST आपको 18% पड़ता है, तो GST एक तरह से 3% ही बचता है एंड में। अब इनके नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि है प्रोफेशनल। इसमें आपको 300 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाएगी, सारे जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है कट टू पेस्ट इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक और बेनिफिट ऐड हो जाएगा, इसमें आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा 199 रुपीज़ का, और इसकी वैलिडिटी भी तभी तक है जब तक आपके पास ये प्लान है।
अगर ये प्लान गया, अगर आपने हटाया कनेक्शन, तो इसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। एंड अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको विदाउट GST एक महीने के लिए 1498 रुपीज़ का पड़ेगा, विद GST आपको पड़ेगा 1769 रुपीज़ का, एंड तीन महीने के लिए ये आपको देना पड़ेगा 5307 रुपीज़। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता 3 महीने में, बट 6 महीने में आपको 7.5% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। तो डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा आपको 9818 रुपीज़, विदाउट डिस्काउंट ये आपको पड़ता 10614 रुपीज़ का, एंड 12 मंथ के लिए विद डिस्काउंट आपको ये पड़ेगा 18044 रुपीज़ का, विदाउट डिस्काउंट ये पड़ता आपको 21228 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल रहा है। सो गाइज, अब इनके लास्ट प्लान में आते हैं जो कि है इन्फिनिटी। ये है पूरे 1 GBPS का प्लान। अब ये प्लान कई सिटीज में अवेलेबल नहीं होगा, पर्सनली मेरी सिटी में भी अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे मुझे इनकी जो वेबसाइट में कॉस्ट थी वही पता है, और प्लान्स की कॉस्ट मैंने आपको पूरी ऐप से कंफर्म करके बताई, बट इन्होंने बोला है कि सारे प्लान्स में आपको 6 महीने के लिए 7.5 एंड 12 महीने के लिए आपको 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है, तो वो प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा। बट इस प्लान में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, नेटफ्लिक्स आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा, जिसकी पर मंथ कॉस्ट है आपकी 649 रुपीज़, वो आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। वैलिडिटी अगेन, जब तक ये प्लान आपके पास है तब तक उसकी वैलिडिटी है। सो विदाउट GST ये प्लान पड़ेगा आपको 3999 रुपीज़, एंड विद GST ये आपको पड़ेगा 4790 रुपीज़, काफ़ी महंगा है। एंड 3 महीने में आपको ये पड़ेगा 14157 रुपीज़, एंड 6 महीने में ये डिस्काउंट आपको पड़ेगा 26190 रुपीज़, एंड विदाउट डिस्काउंट ये पड़ेगा आपको 98340 रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा सेव कर रहे हो यहाँ पे आप। एंड 12 महीने के लिए ये विद डिस्काउंट पड़ेगा आपको 48133 रुपीज़, एंड विदाउट डिस्काउंट ये पड़ता आपको 56628 रुपीज़। सो अगर आप ये प्लान लेने की सोच रहे हो, एंड अगर आपको 12 महीने का रिचार्ज कराना है, तो 48,000 के लगभग आपका रिचार्ज पड़ेगा आपको। तो गाइज, ये तो इनके सारे प्लान्स थे। अब आपके लिए कौन सा सबसे बढ़िया प्लान रहेगा उसकी बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपके लिए 40 Mbps मोर देन इनफ है, क्योंकि मैंने भी यही प्लान कराया है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती स्पीड में। मैं मोबाइल चलाता हूँ, TV में 4K कंटेंट प्ले होता है, YouTube में वीडियोज अपलोड होती हैं, एंड मुझे कोई भी इशू नहीं आता। सो मैक्सिमम लोगों के लिए 40 Mbps इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप 100 Mbps में जा सकते हो, और मुझे जो इंजीनियर लगाया वो भी फोर्स कर रहे थे कि सर आपको कम पड़ जाएगी स्पीड, जैसे मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ तो ज़्यादा ही कुछ करने लग पड़े फोर्स, कि आप 100 Mbps करा लो, अगर आप 6 महीने के लिए एक बार करा लोगे तो आप प्लान को चेंज नहीं कर सकते 6 महीने से पहले। बट मुझे पता था कि मेरे लिए 40 Mbps इनफ है, तो मैंने क्लियर कट बोला कि मुझे पता है कि 40 Mbps मेरे लिए इनफ है। तो मैं आपको भी सेम एडवाइस दूंगा कि आपको 40 Mbps से जाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये इनफ रहेगा। अगर एक्स्ट्रा करना ही है तो आप 100 Mbps तक जा सकते हो। और 40 Mbps में भी आपको सबसे तगड़ा रहेगा 6 महीने के रिचार्ज अगर आप एक साथ कराओगे, तो आपको यहाँ पे एक तरह से GST माफ़ हो जा रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप 6 महीने ख़त्म होने के बाद भी यही प्लान आप फिर से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी यही प्लान किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है अगर मैं 6 महीने का बिल एक साथ देता हूँ। अगर आपको चेंज कराना है एयरटेल 6 महीने बाद, तो ऑब्वियसली इतना लंबा रिचार्ज मत कराना, आप इसे जो 1 महीने का है जो आपको पड़ेगा 589 रुपीज़ का, वो आप करा सकते हो। सो काफ़ी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, बट एक जनरल रिकमेंडेशन ये है कि आप 40 Mbps का 6 महीने का रिचार्ज करा सकते हो, आप फायदे में ही रहोगे। सो गाइस, अब प्लान के बाद अब बात करते हैं कि क्या ये प्लान्स प्रीपेड हैं कि पोस्टपेड हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो कहीं नहीं मेंशन है कि ये प्रीपेड है कि पोस्टपेड है, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन है कि आपका जो बिलिंग साइकिल है वो आपकी 30 दिन की होगी, एंड 30 दिन के बाद अगर आप रिचार्ज नहीं कराते तो जिस दिन आप रिचार्ज कराओगे उसके नेक्स्ट 30 डेज आपको नेट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रीपेड है। सो गाइस, ये जो बिल वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, ये मैंने सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन से पढ़ी है, उधर उन्होंने लिखा था, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ 6 महीने बाद ही शेयर कर पाऊंगा। जब मुझे 7वें महीने का बिल आएगा तब मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि क्या चीज़ है ये जो उन्होंने लिखा है, क्या वो सच है या नहीं है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं वो कैसे क्लेम करने हैं वो भी सिखाया। तो मैं आपको जो आपने नंबर दिया होगा, चाहे वो जियो का हो चाहे वो एयरटेल का हो, कोई सा भी नंबर हो जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम दिया होगा, वो वाला नंबर आपको एयरटेल ऐप में डालना है लॉगिन के टाइम। तो आपका यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा, वहाँ पे क्लेम OTT करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप सारे OTTs को क्लेम कर सकते हो उस वाले नंबर पे। तो आप कोई भी ऐप अगर ऐप खोलोगे तो उस वाले नंबर से लॉगिन करोगे तो आपकी ऐप में वो सब्सक्रिप्शन होगा। तो यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से आप उसे क्लेम कर सकते हो। सो गाइज, ये तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का सेकंड पार्ट था। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप यहाँ जाकर आपके सामने आ रहा होगा, वो देख सकते हो। एंड इसके ऊपर मैं 1 मंथ रिव्यू, 6 मंथ रिव्यू, इसकी ऐप कैसी है, इसका आप अगर राउटर में सेटिंग चेंज करनी है वो कैसे करना है, सब कुछ वीडियोज लाने वाला हूँ।
और आपको सारी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अच्छी लगी हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में या उन वाली वीडियोज़ में। जय हिंद।